माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक हुई है और उसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक के लिए बढ़ाया है और उसमें कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन किया गया है, कुछ चीज़ों को यथावत रखा गया है और इसमें पूरे राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट ई पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ जिलों को 2 श्रेणी में बांटकर अलग अलग तरीके से कार्य योजना बनाई गई है। 9 जिले इसमें ऐसे हैं जिस पे प्रतिबंध यथावत बरकरार रहेगा, वो जिले हैं बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, रांची, गढ़वा, गुमला, रामगढ़। इसमें कपड़ा, ज्वेलरी, जूता चप्पल की दुकान को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी और 2 बजे की जो अनिवार्यता है वो बनी रहेगी। इसके साथ जो अन्य 15 जिले हैं उसमें सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है और उसमें 24 जिले में दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी और मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेंगी और कुछ राज्य सरकार चूँकि आपदा में COVID-19 की विभीषिका को के चक्र को समाप्त करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हम ये मानते हैं कि थोड़ी बहुत जरूर परेशानियां हो रही हैं आमजनों को, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बिंदुओं पर आम लोगों से भी उन्होंने राय विचार विमर्श किया। जितने माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, इवन जो बड़े डॉक्टर्स हैं उन लोगों से भी वेबिनार आयोजित किया और सारी चीज़ों के अवलोकन करने, मूल्यांकन करने के बाद और हर जिले में क्या पॉजिटिव रेट है, क्या हमारी रिकवरी हुई, क्या हमारी मृत्यु दर रही, सभी चीज़ों के विस्तृत रूप से मूल्यांकन करने के बाद हम लोगों ने यह निर्णय किया कि इसको अभी हम कोई भी ऐसी असावधानी नहीं करेंगे कि जिस असावधानी के कारण हमको फिर से उस कोविड की विभीषिका को फिर से हम स्प्रेड होने का मौका नहीं देंगे। और इसी के लिए मैं सभी आमजनों से भी निवेदन करता हूँ कि जो हमारे प्रशासन ने और जो आपदा प्राधिकार ने जो गाइडलाइन दी हैं उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए ताकि हम आप सारे लोग मिलकर इस COVID-19 की इस महामारी से अपने राज्य को बचाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड की जनता बहुत ही समृद्धशील है, बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेती है और हम सभी लोग मिलकर इस विभीषिका को समाप्त करने की दिशा में कारगर रूप से काम करेंगे और सारी विस्तृत में जानकारी सरकार के PRT डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन हम लोग विशेष करके हम लोगों ने ये जरूर प्रयास किया है कि जीवन भी चले, जीविका भी रहे और हम जो है अपने राज्य को इस विभीषिका से, इस महामारी से बचाएं।